आज के हुनरबाज चित्रकारों को अपनी प्रतिभा चमकाने का मौका मिले, साथ ही इन कलाकारों को एकजुट कर उन्हें एक मंच उपलब्ध कराकर देने के मकसद से मुंबई की प्रसिद्ध चित्रकार प्रिया याबालूरी के नेतृत्व में आर्ट फॉर अवेयरनेस द्वारा कंटेम्प्रेरी अर्बन आर्टिस्ट नामक भव्य सामूहिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाली इस अनोखी चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बाबूभाई मिस्त्री और आर्ट एडिटर जैन कमल के हाथों संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर उनके साथ आर्ट फॉर अवेयरनेस आर्ट गैलरी की संस्थापिका प्रिया याबालूरी और चित्रकार कला प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उद्घाटन के पश्चात मान्यवरों ने इस प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। 3 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी में मुंबई, नवी मुंबई सहित पुणे, गुजरात और दिल्ली से आए 15 चित्रकारों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने तरह तरह की मनभावन चित्र प्रदर्शित कर अपने कलाकारी का अनोखा नमूना पेश किया। यहाँ मौजूद चित्र और कला जगत की बड़ी हस्तियों ने प्रिया याबालूरी के प्रयत्नों और सामूहिक चित्र प्रदर्शनी के आयोजन पर खुशी जताते हुए चित्रकारों के बेमिसाल काम की जमकर सराहना की। खासियत तो ऐसी है कि एग्जीबिशन होते रहना चाहिए, तकलीफ में भी और अच्छे वातावरण में भी, क्यों एग्जीबिशन होना ही बहुत बड़ी बात है। पूरे समुदाय को, सभी तरह के लोगों को एक बहुत अच्छा नॉलेज जाता है, सिर्फ आर्ट फ्रेटर्निटी को नहीं, सभी तरह के लोगों को ये देखना करना एक प्रकार का अध्यात्म है, पीस मिलता है लोगों को, वो देखना चाहिए। मैं प्रिया को धन्यवाद देता हूँ और प्रिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ग्रुप बना है वो 100 साल तक सर्वाइव करे, जल्दी सर्वाइव नहीं हो पाता, टूट जाता है, टूटे नहीं और बढ़ जाए आगे की ओर। प्रिया ने एक बड़ा अच्छा प्रयत्न किया है आर्टिस्ट को साथ में लेके चलने का, लेकिन वो कंटिन्यू होना जरूरी है। मैंने इस चीज में बताया कि स्टार्टिंग तो होता है, आगे जाके आर्टिस्ट अपने अपने हिसाब से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अहम आ जाता है, वो अहम आर्ट में नहीं आना चाहिए। आर्ट आर्ट होता है, अपना आर्ट अपना आर्ट हो रहा है, आर्ट से बात करें ऐसा आर्ट क्रिएट करना चाहिए। और अगर यही ग्रुप ऐसे चलता रहेगा तो एक दिन इसमें से 2-3 आर्टिस्ट अच्छे अच्छे करके नाम भी कमा सकते हैं, दाम भी कमा सकते हैं और एक ग्रुप को भी वो मिलता है अपना आइडेंटिटी। अब ये पेंटिंग जो हमने देखी उसमें वेरिएशन है, क्योंकि आर्टिस्ट अलग अलग है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है, हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना प्रेजेंटेशन अलग होता है, वो अपने हर एक ने बनाया और हर एक ने अपनी तरफ से अच्छा कोशिश किया, अच्छा वर्क प्रेजेंट किया है, इतना मैं बता दूं। वहीं आर्ट फॉर अवेयरनेस आर्ट गैलरी की संस्थापिका प्रिया याबालूरी ने इस प्रदर्शनी की अधिक जानकारी देते हुए प्रदर्शनी के अहम मकसद पर प्रकाश डाला। I wanted to organize a group event bringing in all the artists who were very enthusiastic and very having a kind of a goal to reach their aspirations under this Art for Awareness banner. And Art for Awareness is a group which is having its own online gallery, that is AFA Art Gallery, for the last 5 years. And over 4,000 members are already there online. And now, like, I wanted to bring that online art shows to the real, give them a base, and bring in some of the artists together and form a group called Contemporary Urban Artists under this banner. So Contemporary Urban Artists artists are a group of artists, some 15 artists are there in this group, who want to achieve their goals as well as they are very enthusiastic in doing their artworks, and they are very, like you can see the all the artworks, they are very vibrant, very energetic, and they have a positive flow through them. And at the same time, through the works of the art, we want to create art for awareness. So every artist is also having a goal, like they want to create awareness through the art they are doing, whether it is a painting or it's a paper craft. So we have a wide range of art over here. Some are abstract, some are figurative, some are very detailedly done Madhubani art, some are modern abstract art, and some are like you can see there is paper craft art also. So vibrantly, like you can see a lot of vibrant colors and spreading like you know the kind of positive energy we want to reach to the society or world.
ब्यूरो इनपुट ईडब्ल्यू नेटवर्क।